सो हे गाइस, एक और फ्रेश न्यू वीडियो पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, वीडियो का टाइटल और थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि कौन सी टॉपिक का वीडियो होने वाला है। नहीं, यस गाइस, एक और ओपी सा गिल्ड के ऊपर वीडियो लेकर मैं आ चुका हूँ, जो कि है एवेंजर्स गिल्ड। और ये गिल अपने आप ही बहुत ही बेहतरीन सा गिल है। तो इस गिल पे आप लोग कैसे ज्वाइन हो सकते हो, इस गिल का रिकमेंड क्या क्या होने वाला है, सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो वीडियो के अंदर मैं कभी भी बता सकता हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, जरा सा भी स्किप मत करना। और साथ में जो भी चैनल पर पहली बार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और इस वीडियो को बनाने में मुझे मदद की है विनोम भाई ने, तो विनोम भाई को बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। और ये देख सकते हैं एवेंजर्स के जो गिल्ड के स्लोगन पे लिखा हुआ है एवेंजर्स असेंबल, और नोटिस बोर्ड पे लिखा हुआ है कि पार्ट डे आपको 80 ग्लोरी देना ही पड़ेगा, और जो फ्राइडे का जो डॉक्टर होता है डॉक्टर का आपको 200 डॉक्टर देना पड़ेगा, ठीक है। तो अदरवाइज आप गिल्ड से किक कर दी जाओगे। ये तो एक बेसिक रूल हो गया, बहुत स्ट्रिक्ट रूल है ये। और साथ पे यहाँ पे देख सकते हैं गिल्ड का जो लीडर है थॉर ऑडिनसन, जो कि 74 लेवल के साथ, मतलब गिल्ड का लीडर के नाम ही थॉर ऑडिनसन है, मतलब समझ सकते हैं एवेंजर्स का कितना बड़ा फैन है। और इसके पास है हिप हॉप बंडल गाइस, बहुत हार्ड। अरे बाबा। और उसके साथ हम लोग चलते हैं गिल के एक्टिंग लीडर के पास। एक्टिंग लीडर का नाम देख सकते हैं लॉकी ऑर्डिनेशन, इसके पास है सीजन 4 का मार्क्स, मतलब सीजन 4 से हर एक एलेट पास लेते हुए आ रहे, मतलब बहुत ही हार्ड, बहुत ही खतरनाक प्रोफाइल है। ऊपर से MP40 मैक्स भी है, कोबरा MP40, मतलब बहुत ही हार्ड प्रोफाइल है इनका, ठीक है। और इस गिल का एक ऑफिसर भी है, तो एक लीडर, एक्टिंग लीडर और ऑफिसर, और जो दोनों के दोनों ऑफिसर थे वो ऑफिसर नहीं रहे अभी। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों एक गिल्ड का मैनेज करते हैं, और इसका भी नेचर बहुत ही अच्छा है, मैं खुद इनसे बात कर चुका हूँ, और ये बहुत ही अच्छे बंदे हैं। और देख सकते हैं इनके पास भी हर एक इलेक्ट पास है गाइस, बहुत ही हार्ड प्रोफाइल है, और लगभग देख सकते हो 18,000 का लाइक होने वाला है। तो इस गिल्ड पे और भी बहुत अच्छे अच्छे बंदे हैं, तो इस गिल्ड पे आने के लिए आपका रिक्वायरमेंट क्या क्या होने वाला है। तो इस गिल्ड पे आने के लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट है आपका नेम चेंज करना पड़ेगा। अब लोग पता है कि एवेंजर्स गिल्ड रीजन पे आते हैं, मतलब टॉप 50 के अंदर एक गिल्ड आते हैं, तो मतलब इस गिल्ड का जो रिक्वायरमेंट बहुत ही हाई होने वाला है। तो इस गिल्ड पे आने के लिए आपको सबसे पहला रिक्वायरमेंट है वो है आपका नेम चेंज करना पड़ेगा। आपके नेम के आगे देख सकते हो, हर एक प्लेयर के नेम के आगे देख सकते हो AVG लिखा हुआ है, तो इसी स्टाइल से आपको नेम लिखना पड़ेगा। और ये आप लोग जब ऑफिसर या फिर एक्टिंग लीडर व लीडर जब ऑन रहेगा तब उनसे मांग सकते हो, वो आप लोग देख देगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको नेम चेंज करना पड़ेगा, पहला रूल। सेकेंड जो चीज़ है, आपको पर डे 80 ग्लोरी देना ही पड़ेगा। अगर आप लोग पर डे 80 ग्लोरी नहीं दोगे तो गिल्ड से आप लोग किक कर दे जाओगे। और जो फ्राइडे के जो टूर्नामेंट होता है, मतलब फ्राइडे पे जो जो क्या बोलते हैं उसको डॉग टैग होता है कस्टम के लिए, वो डॉग टैग आपको पर वीक जो फ्राइडे को 200 डॉग टैग देना पड़ेगा, अदरवाइज आप किक हो जाओगे, ठीक है। उसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग व्हाट्सएप पे दे सकते हो, ठीक है। तो यही रूल है, सब बेसिक सा रूल है। और आपका लेवल होना चाहिए 75+ गाइस। अगर आपका लेवल 75 से कम है तो फिर आप लोग आ सकते हैं, लेकिन आपको टॉप अप करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हो जितने भी प्लेयर 75 से नीचे है वो सारे के सारे प्लेयर टॉप अप प्लेयर है, ठीक है। और 75 से ऊपर अगर आपका लेवल है तो आप लोग आसानी से आ सकते हो। और रैंक का KD, स्क्वाड का KD या फिर कुछ स्टैट वगैरह कुछ नहीं मांगता है, सिर्फ आपका लेवल 75+ होना ही चाहिए, ठीक है। बहुत ही बड़ा गिल है, बहुत ही अच्छा गिल है। तो इस गिल का ID मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, जाके डिस्क्रिप्शन पे आप लोग UID ले सकते हो, लेके आप लोग रिक्वेस्ट भेज सकते हो। अगर आप लोग ग्रैंड मास्टर पे हो तो भी आप लोग आसानी से गिल के अंदर आ सकते हो। अगर आप लोग CS रैंक पुश कर रहे हो वहाँ पर भी ग्रैंड मास्टर पे हो तो आप लोग आसानी से आ सकते हो। वहाँ पर कोई भी लेवल मैटर नहीं कर रहा, क्योंकि आप लोग वहाँ पर गिल को रिप्रेजेंट कर रहे हो ना रीजन के ऊपर, ग्रैंड मास्टर हो गया या फिर CS रैंक ग्रैंड मास्टर हो गया, वहाँ पर आप गिल को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वहाँ पर कोई भी लेवल मैटर नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका लेवल इतने 75 से कम है तो आपको टॉप अप करना पड़ेगा, ठीक है। गिल का रिकमेंड मैंने बता दिया, गिल का ID मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाके वहाँ से आप लोग आसानी से चेक कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही OP वाला गिल का वीडियो होने वाला है, उसके लिए आप लोग जरूर स्टेट करना। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और फ्रेश न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय गाइज़।